हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का फाइनल का जो बुक है उसका चैप्टर 6 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा, मतलब चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके पहले 3 पार्ट इस चैप्टर का आ चुका है ऑलरेडी। तो हम लोग को आज यहाँ सिरपुर इन छत्तीसगढ़ से पढ़ना था, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कहा जा रहा है, सिरपुर इन छत्तीसगढ़ इज अर्ली उड़ीसा स्टाइल, इज एन अर्ली उड़ीसा स्टाइल साइट बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ 550 to 800। तो कहा जा रहा है 550 से 800 ईस्वी के बीच का उड़ीसा स्टाइल में बनाया गया यहाँ पे मंदिर है, विथ बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट शाइन, जहाँ पे हिंदू और बुद्ध दोनों के मंदिर हैं। इन मैनी वेज इनको आइकोनोग्राफिक एंड स्टाइलिस्टिक एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हेयर टू सिमिलर टू दैट ऑफ नालंदा। तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो मंदिर बनाने का स्ट्रक्चर है वो नालंदा से काफ़ी सिमिलर है। लेटर अदर मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डेवलप्ड इन उड़ीसा। कहा जा रहा है कि इसके अलावा और भी कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उड़ीसा में डेवलप हुए। ललितगिरी, वज्रगिरी एंड रत्नगिरी आर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो तीनों नाम याद रखिएगा, ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी, ठीक है। ये तीनों काफ़ी फेमस साइट हैं उड़ीसा में। द पोर्ट टाउन ऑफ नागापट्टिनम वर अल्सो मेजर बुद्धिस्ट सेंटर राइट अंडर द चोल पीरियड। तो चोल पीरियड में नागापट्टिनम का जो पोर्ट टाउन था, मतलब कि समुद्र किनारे का शहर था, वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था। वन ऑफ द रीजन फॉर द फर्स्ट दिस मस्ट हैव बीन इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रेड विद श्रीलंका। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक रीजन भी हो, श्रीलंका के ट्रेड के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट कल्चर मतलब कि फ्लरिश किया। ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर इन चोला स्टाइल है टू द नागापट्टिनम जनरली डेट बैक टू द 10th सेंचुरी। तो क्या जा रहा है कि ब्रॉन्ज और स्टोन स्कल्पचर जो है चोला स्टाइल में, ठीक है, वो नागापट्टिनम में मतलब कि लाइट में आया और जनरली इसका डेटिंग बैक किया जाता है तो 10th सेंचुरी में जाता है। आगे पढ़ते हैं, तो जैन वेयर प्रोलिफिक टेम्पल्स बिल्डर लाइक द हिंदू। तो जैन भी हिंदू की तरह काफ़ी ज़्यादा टेम्पल बनाते थे। एंड देर सेक्रेट साइन एंड पिलग्रिमेज स्पॉट्स आर टू बी फाउंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द हिल्स। क्या करें कि पहाड़ों के अलावा हर जगह जैनों के मंदिर या फिर उसके पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे। द ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट आर टू बी फाउंड इन बिहार। पुराना जो जैन पिलग्रिमेज साइट है वो बिहार में मिलेगा। मैनी ऑफ दिस साइट्स आर फेमस फॉर अर्ली बुद्धिस्ट श्राइन्स। तो क्या उसमें से कई साइट तो बुद्धिस्ट श्राइन भी थे। इन द डेक्कन सम ऑफ द मोस्ट आर्किटेक्चरली इंपॉर्टेंट जैन साइट्स कैन बी फाउंड इन एलोरा एंड एहोल। तो क्या जा रहा है कि वहाँ देखा जाए, डेक्कन के इलाके में देखा जाए तो एलोरा और होल में सबसे ज़्यादा आपको बुद्धिस्ट साइट मिलेगा और जैन साइट मिलेगा। इन सेंट्रल इंडिया देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी एंड ग्वालियर हैव सम एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ जैन टेंपल, है ना। सेंट्रल इंडिया में जैसे खजुराहो हो गया, देवघर हो गया, चंदेरी, ग्वालियर, ये सब जैन टेम्पल का आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते थे, यहाँ पे गुमतेश्वर का मूर्ति था जो लॉर्ड बाहुबली गुमतेश्वर कर्नाटक, है ना। तो पहले इंडिया का सबसे ऊँचा मूर्ति हुआ करता था एक ज़माने में, आई थिंक 2004-05 के ज़माने में, ठीक है। और यहाँ पे एक मंदिर आपको देखा है, लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कहा जा रहा है कि कर्नाटक हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ जैन श्राइन एंड श्रवण बेंगोला द फेमस स्टैचू ऑफ गुमतेश्वर, द ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली विच स्टैंड 18 meters or 57 feet हाई। तो कहा जा रहा है कि कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा जैन श्राइन है, वहाँ पे काफ़ी एक रिच हेरिटेज है जैन श्राइन का। श्रवण बेंगोला काफ़ी फेमस जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जीवन के अंतिम कुछ साल बिताए थे। एक फेमस साइट है, वहाँ फेमस है स्टैचू है गुमतेश्वर का, भगवान गुमतेश्वर का, ठीक है, जिनको लॉर्ड बाहुबली भी कहा जाता है, जो 18 meter ऊँचा मूर्ति है, लगभग 57 feet बोल सकते हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, याद रखिएगा, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मतलब एक ही पत्थर के काट करके बनाया गया था, जो ऊपर मूर्ति हम लोग देखें, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया, तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। इट वॉज कमीशनड बाई चमुद्राया द जनरल इन चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग ऑफ मैसूरी, ठीक है। तो मैसूर का कोई गंगा किंग था, उसके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको मतलब कि इंस्टॉल करवाया गया था। द जैन टेम्पल एट माउंट आबू वेयर कंस्ट्रक्टेड बाई बीमल्स था। तो माउंट आबू में जो जैन टेम्पल, वो बीमल्स का द्वारा मतलब कंस्ट्रक्ट कराया था। नोटेबल फॉर सिंपलिस्टिक एक्सटेरियर इन द कॉन्ट्रेस्ट विद द एग्जिबिट मार्बल इंटीरियर द रिच स्कल्पचरल डेकोरेशन विद डीप अंडर कटिंग क्रिएट्स लेस लाइक अपीरियंस। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब काफ़ी शार्प यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, अच्छे तरीके से काटा गया है। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स यूनिक पैटर्न ऑन एवरी सीलिंग। तो टेम्पल के हर एक सीलिंग पे एक यूनिक पैटर्न बनाया गया है एंड अ ग्रेसफुल ब्रैकेट फिगर्स अलोंग द डोम्ड सीलिंग। द ग्रेट जैन पिलग्रिमेज साइट इन द शत्रुंजय हिल्स नियर पलिटाना इन काठियावाड़ गुजरात इज इम्पोजिंग विद द स्कोर्स ऑफ टेम्पल क्लस्टर टुगेदर। तो कहा जा रहा है कि शत्रुंजय हिल जो पलिटाना काठियावाड़ वाले गुजरात के इलाके में, वहाँ पर भी एक मंदिर है, जैन पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द प्रोलिफिक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर रिमेन इन डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोन। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़े हैं कि कितने तरीके के आर्किटेक्चर रिमेन है, कितने कहाँ कहाँ के स्टोन में, किस तरीके टेरा कोटा में, कहाँ ब्रोंज का है, 5th से 14th सेंचुरी के बारे में। अनडाउटली देयर वुड हैव बीन स्कल्पचर्स मेड ऑफ अदर मीडिया लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। कहा जा रहा है कि दूसरे मीडियम से सिल्वर और गोल्ड के भी
यहाँ पे स्कल्पचर बनाए, बट दिस वुड हैव बीन मेटल डाउन एंड रीयूज, तो कहते तो उनको पिघला करके रीयूज किया गया है, ठीक है। मैनी स्कल्पचर्स वुड हैव बीन मेड ऑफ वुड एंड आइवरी, बहुत सारे स्कल्पचर लकड़ी के बनाए गए होंगे लेकिन वो अब सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे इतने दिन के में। ऑफन स्कल्पचर्स वुड हैव बीन पेंटेड बट अगेन पिगमेंट्स कैन नॉट ऑलवेज सर्वाइव 100 ईयर्स, का स्कल्पचर को अधिकांशतः पेंट किया जाता था लेकिन जो कलर है इतने साल तक नहीं टिक सकता है, इतने साल तक नहीं तो कि रह सकता है, स्पेशली इफ स्कल्पचर वेर एक्सपोज टू द एलिमेंट, खास करके तब जब उसको संरक्षित न किया जा रहा हो, है ना। देर वॉज ऑल्सो रिच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग दैट टाइम, कह रहा है कि उस समय पेंटिंग का एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिशन था, बट ओनली एग्जाम्पल दैट सर्वाइव फ्रॉम दिस पीरियड म्यूरल्स एंड फ्यू रिलीजियस बिल्डिंग, लेकिन जो म्यूरल पेंटिंग है दीवार पर पेंटिंग है वही कुछ सर्वाइव कर पाया, खास करके रिलीजियस बिल्डिंग वाले में, ठीक है। ये दिलवारा टेम्पल माउंट आबू का है, माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल का मूर्ति मतलब की इमेज है, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे महाबलीपुरम के बारे में पढ़ना है, महाबलीपुरम के बारे में यहाँ पे इमेज दिया गया, पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कई बार, है ना। यहाँ पे भी उसका, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उसको कि महाबलीपुरम इज इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन, इसके बारे में एक्चुअली हम लोग अंदर पढ़ चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ममल्लापुरम जिसको हम लोग पढ़े थे कि ममल्ला बोला जाता था नरसिंह वर्मन को, नरसिंह वर्मन टू के द्वारा मंदिर बनाया गया था, ये सब जो सोर टेम्पल वाला इलाका मिला था, यह था महाबलीपुरम के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे रावण सेकिंग माउंट कैलाश, तो यहाँ पे एक दिखाया गया पिक्चर में कि रावण जो माउंट कैलाश को उठा करके ले जा रहा है, ठीक है। द थीम ऑफ रावण सेकिंग माउंट कैलाश हैज बीन डिपिक्टेड सेवरल टाइम इन द केव्स ऑफ एलोरा, तो एलोरा के केव में आपको कई बार देखने को मिलेगा रावण टेकिंग माउंट कैलाश, बट दिस मोस्ट नॉट वर्दी ऑफ ऑल दिस वन ऑफ द डिपिक्टेड इन द लेफ्ट वॉल ऑफ कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, तो कहा जा रहा है कि कैलाश नाथ टेम्पल जो एलोरा केव नंबर 16 में है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द इमेज इज डेटेड टू द 8th सेंचुरी, इमेज जो 8वीं सेंचुरी का है। इट इज़ अ कोलोसल स्कल्पचर एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ इंडियन स्कल्पचर, तो क्या कह रहे हैं कि इंडियन स्कल्पचर का एक मास्टर पीस के रूप में इसको देखा जाता है। इट डिपिक्ट द एपिसोड ऑफ रावण सेकिंग माउंट कैलाश में लॉर्ड शिव अलोंग विद पार्वती एंड अदर वेयर ऑन द माउंटेन, तो क्या कह रहे हैं इसमें दिखाया गया है कि रावण जो है कैलाश पर्वत को उठा करके ले जा रहा है, ऊपर में भगवान शिव पार्वती भी हैं माउंटेन पे ही। दिस कंपोजिशन द कंपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टायर्स, द लोअर टायर डिपिक्ट रावण मल्टी फेस्ड एंड मल्टी आर्म्ड सेकिंग द माउंट विथ ईज, तो कहा जा रहा है कि जैसे इसमें कई मतलब कि कई तरीके से कई लेयर में इसको दिखाया गया, जैसे लोअर वाले लेयर में टीयर जो है उसमें दिखाया गया कि रावण जो है उसके कई ज़्यादा फेस हैं, है ना, 10 फेस था उसका, देख सकते हैं हाथ भी उसका बहुत सारा, इसलिए आसानी से पहाड़ को उठा ले रहा है। द डेप्थ ऑफ कार्विंग ऑफ मल्टीपल हैंड्स ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ 3D स्पेस, तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से कार्विंग किया गया कि 3D स्पेस दिख रहा है क्लियर। रावण बॉडी जो एंगुलर पोजिंग वन लेग इनसाइड, रावण का जो बॉडी एंगुलर पोजीशन में एक लेग अंदर की तरफ किए हुए। द हैंड्स आर एक्सपेंड ऑन द साइड ऑफ इनसाइड चैम्बर क्रिएटेड बाय इमेज ऑफ रावण। द अपर हाफ इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेम, ऊपर वाला जो आधा है उसको 3 फ्रेम में बांट सकते हैं, जैसा कि इमेज में भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये वाला था, ठीक है, कि रावण जो है उसका बहुत सारा हाथ है, यहाँ पे हाथ बहुत सारा देख सकते हैं, फेस भी बहुत सारा दिखाया गया है ना। तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोग पढ़े, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि पार्वती सोन मूविंग क्लोज टू शिव स्केयर्ड बाय द कमोशन हिल, तो दिखाया गया कि पार्वती जो है शंकर जी के नज़दीक चले गए हैं हिल के हिलने के कारण, पहाड़ के हिलने के कारण। हर स्ट्रेच लेग्स एंड स्लाइटली ट्विस्टेड बॉडी इन द रिसेस्ड स्पेस क्रिएट अ वेरी ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शेड, है ना। द वॉल्यूम ऑफ स्कल्पचर वेरी प्रोनाउंस्ड, तो स्कल्पचर का जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया क्लियर। वॉल्यूम का मतलब कि जो उसमें मूर्ति दिखाया गया है वो थोड़े से ओरिजिनल टाइप के लगते हैं, जैसे ज़्यादा पतले या ज़्यादा मोटे नहीं लगते हैं। द गन ड्वार्फ फिगर आर शोन इन द एक्शन इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, जो भगवान शिव के आसपास जो गन रहते थे, गन मतलब बंदूक वाला गन नहीं, जो आसपास उनके जो सपोर्टर रहते थे ऐसा बोल सकते हैं, वहाँ पे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। द सेलेस्टियल बीइंग अबव शिव एंड पार्वती विटनेसिंग इवेंट्स आर शोन इन फ्रोजन मोमेंट, और बाकी ऊपर के जो देवी देवता जैसे टीवी में देखते होंगे ना कि कोई होता है तो देवी देवता ऊपर से देखते रहते हैं, तो उस तरीके से यहाँ भी दिखाया गया है, है ना। तो ये था इसके बारे में, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल के आउटर वॉल पे भी इस तरह का कार्विंग किया गया दिखाया गया, तो आई थिंक नटराज का दिखाया गया, नटराज का जो मूर्ति हम लोग आसपास देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया खजुराहो के मंदिर के बारे में, तो खजुराहो के मंदिर के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया गया। एट लास्ट क्या करें, अगर नॉन लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर हैव बीन फाउंड इन द कंट्री वी शैल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो कहते हैं और भी कई बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रॉन्ज स्कल्पचर कंट्री में पाए गए हैं जिसके बारे में अगले चैप्टर में लोग डिस्कस करेंगे। वी हैव फोकस्ड ऑन द डोमिनेंट आर्ट स्टाइल्स एंड सम ऑफ द मोस्ट फेमस मोनमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो हम लोग जो फोकस किए हैं कई डोमिनेंट आर्ट स्टाइल पे, है ना, और बहुत सारे फेमस मोनमेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में मिडिवल पीरियड के। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द इनॉर्मस आर्टिस्टिक अचीवमेंट दैट वी हैड स्टडीड हियर वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल इफ आर्टिस्ट वर्कड अलोन, तो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं इसमें रियलाइज करना चाहिए कि कोई एक आर्टिस्ट के द्वारा, मतलब आर्टिस्ट सिर्फ काम करके इतना कुछ नहीं बना सकता है,
दिस लार्ज प्रोजेक्ट्स वर ब्राउट आर्किटेक्ट बिल्डर स्कल्पचर पेंटर टुगेदर, है ना। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए आर्किटेक्ट बिल्डर स्कल्पचर पेंटर टुगेदर सब एक साथ आए होंगे तब जाकर बना होगा। एबव ऑल बाय स्टडिंग दिस आर्ट वर्क वी आर एबल टू लर्न मच अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी डेट मेड दिस ऑब्जेक्ट। तो कह जा रहा है कि ये सब पढ़ने के बाद हम लोग और भी पता चलता है, हम लोग के मालूम होता है किस तरीके की सोसाइटी उस समय था। थ्रू वी कैन सरमाइज व्हाट देयर बिल्डिंग वेयर लाइक, उस समय के बारे में हम लोग जान सकते हैं कैसे उनका बिल्डिंग था, किस तरह के कपड़ा वो पहनते थे। एबव ऑल वी कैन यूज आर्ट मटेरियल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द रिलीजन। अब सबसे ऊपर यह है कि आर्ट मटेरियल के यूज करके हम लोग रिलीजन की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस रिलीजन्स ऑल्सो वी हैव सीन वेरी मैनी डाइवर्स एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म मच हैव अ प्लेथरा ऑफ गॉड्स एंड गॉडेज। तो कहा जा रहा है खास करके हिंदुइज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा संख्या में गॉड और गॉडेज हैं। एंड दिस वेयर पीरियड ऑफ भक्ति एंड तंत्र टू मेजर डेवलपमेंट अफेक्टेड देम। टेम्पल ऑल्सो बिकेम अ स्पेस फॉर मैनी अदर आर्ट फॉर्म। टेम्पल भी कई तरह के आर्ट फॉर्म जैसे म्यूजिक, डांस, थिएटर, इस सबका सेंटर बना। टेम्पल्स बिकेम लैंड ओनर्स, टेम्पल जो है जमीन का मालिक बनता था। किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स गेव देम लैंड फॉर मेंटेनेंस वंस एंड अपकीप द परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन अपने खुद से लिखें, जैसे ट्रेस द डेवलपमेंट इन बुद्धिस्ट आर्ट। तो बुद्धिस्ट आर्ट में किस तरीके से डेवलपमेंट है उसके बारे में लिखना है। किसी भी दो टेम्पल स्टाइल को इंडिया में कंप्लीमेंट करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर पाल, चोल, पल्लव, चंदेल, इस सब के स्कल्पचर ट्रेडिशन के बारे में लिखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।